हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की ओर से SOS में प्रवेश के लिए 2 दिसंबर को दाखिलों की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। अब इसके आगे विद्यार्थियों को SOS के तहत प्रवेश पाने के लिए लेट फीस के साथ आवेदन करना होगा। मंडी में ये जानकारी दिनेश ठाकुर ने देते हुए कहा कि अभी तक वहां पर 200 से अधिक बच्चों ने SOS के तहत दाखिला लिया है। SOS हिमाचल प्रदेश सरकार के द्वारा जो शुरू किया गया है उसमें लगातार एडमिशन चल रही है। आज इसकी अंतिम तारीख थी या है और कल से जो है इसमें लेट फीस के साथ एडमिशन शुरू हो जाएगी। इस बार बोर्ड द्वारा इसके लिए 2 दिसंबर तक अंतिम तारीख रखी गई थी। अब कल से एक महीना 500 रुपये लेट फीस के साथ जो है एडमिशन इसमें शुरू होंगी। हमारे सेंटर में निरंतर इसमें बच्चे प्रवेश ले रहे हैं। जो बच्चे वंचित रह गए थे, किसी कारणवश पास नहीं हुए थे या एडमिशन नहीं ले पाए थे, वो लगातार यहाँ आ रहे हैं और लगातार फार्म का जो भरने का कार्यक्रम है वो जारी है। और इसमें जो है हम सभी नियमों को पालन करते हुए, मास्क का प्रयोग करते हुए, सैनिटाइजर का प्रयोग करते हुए और उचित दूरी बनाते हुए इन फॉर्म को ले रहे हैं और इनको सबमिट कर रहे हैं। हर रोज़ जो फॉर्म लिए जाते हैं उनको हर रोज़ ही हम कोशिश करते हैं कि वो हम साइट पे लोड कर दें ताकि अगले कल के लिए कोई हमारे पास कोई एक्स्ट्रा काम ना रहे। और अभी तक लगभग 200 जो बच्चे हैं हमारे पास यहाँ एडमिशन दे चुके हैं। अब कल से भी मैं सभी से यही आग्रह करता हूँ कि जो रह गए हैं वो कल से आएँ, अपने पूरे जो इनके डॉक्यूमेंट्स है उसको भी साथ में लाएं और हमारे यहाँ इस SOS में प्रवेश लें।